अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन जी, क्या हाल है? ठीक है, जॉब से आप सब ठीक होंगे? टेंशन ना लो, अब बताने से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी हैं, कुछ है बात नहीं, जरा नदी वाले जा रहे थे। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी अभी जॉब से आई थी, आते ही चावल मंगवाए हैं, और यहाँ पर मैंने मसाला फिर मैसेज कर दिया, वो प्याज हो गया दोनों, और यहाँ लहसुन वगैरह अदरक भी है, टमाटर और मिर्चें भी कर लिए। तो अब मैं ये मसाले जो है इसी में डाल के, तो इसमें डालती हूँ गरम मिर्च वगैरह, थोड़ा सा मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, और नमक तो जो है दो तीन चमचे डालती हूँ। मैंने कहा मटर पुलाव साथ दही मंगवाया, वो बनाएंगे चटनी, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से नमक भूजे ना, तो खाने में करते हैं। अभी बेहतर है, लेकिन साल बड़ा कर रहे हैं, नमक थोड़ा लग रहा है, मैं रोज डाल देती हूँ। चटनी बनानी है अभी, मेरी नस्ल ज्यादा ही है, इसको निकाल के डाल देती हूँ। मैं शुरू कर दिया, कितना प्यारा आ रहा है, डाल के उसको तैयार कर लेती हूँ। चावल तो लिए थे मैंने, ये रखे हुए ये धो के लेके आती हूँ। ये जो टमाटर और सब्ज़ी मिर्ची एक प्याज भी काट लेंगे अंदर में चलते हैं, इसी टाइम से टमाटर का ना पानी गिर गया। बादल सुबह ही मैं तो गई थी, आज फातिमा मेरे साथ गई थी, तो ना उसने तंग किया है ना पौधे, बड़ा ज्यादा तंग किया है। पानी जो है ना पक रहा है, तो मैंने कहा चल नमक भी थोड़ा सा चेक करती हूँ, चलो हाथ के डाल। तो यहाँ पे दही जो आधा किलो लेके आई थी, देखिए कितना प्यारा, पहले थोड़ा सा ना अपने लिए चीनी वो डालनी है, मिला के खाऊंगी ना, तो फिर बाकी जो रायता बनो कितना मेरी बाल में ना ऐसा कभी मिल जाएगी, तो ये इसी दुकान पर मंगवा लिया, तो मैं तो कह रही इसी में कर लेते हैं, मैं बर्तन खराब हो जाएगा मसाला कितना प्यारा बने, दही की तरीके में लग जाएगी। और यहाँ पे ये जो प्याज है मैं बारीक बारीक सा काटती हूँ, बिल्कुल दो लिया था मैंने, और टमाटर में सब लेते मैंने काटी हुई है पहले की, इसलिए ऐसा बोल रही है तो फातिमा सो रही है, उसको आना जाए तो मैं काम का मतलब कर देती हूँ। आज सुबह से नहीं सोई, हमने साफ दे दी तो इतना इसमें निकाल के करो, तो पापा को आकर लेके जाए, करो तो ना आकर लेके जाए। ये टमाटर सब मिर्च बड़ी बड़ी जो पाती है, अब इसमें डालना काली मिर्च और नमक, बस थोड़ा सा दिया हमारा जो रायता वाला, देखो माशाल्लाह कितना प्यारा हो जाएगा प्यार। नमक डालना है इसमें रायते में, देखो माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हो गया है, मैं फ्रिज में रखती हूँ, नहीं बाहर रखती हूँ। मलका जब तक दम आने वाला है ना, तो यहाँ से मैंने सारी सफाई कर दी है, और ये शलफ वगैरह भी होंगे साफ, तो दम इधर होने वाला है हमारा, बस थोड़ा सा पानी भी माशाल्लाह बहुत प्यार है जो है ना, मटर पुलाव हमारे हो गया प्यार। तो अब इतना पानी तो मैं ना ये लगा देती हूँ दम, ऐसे मैंने कोना लगा के लगा देना, तो बाकी दही का रायता भी हो गया तैयार, फिर खाने में खाना
तबीयत मेरी खुद नहीं ठीक है, मेरी भी आवाज ना काफी दिनों से चेंज है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, दवाई वगैरह तो खा लूँ, आराम नहीं आ रहा, तो चले दम दे दिया मैंने, तो अब ये जब दम आता ना फिर खोलते हैं इसको, तब तक मैं प्लेटें जो है ना वो रख लूँ। भाई चूल्हे वाला है तो पता नहीं क्या फोन में पड़ रहा है वो चूल्हे वाला, तो यहाँ पे दही मैंने कहा चलो दम लगा दिया तो उसकी देर में दही खा लूँ, नहीं तो ये खाया जाना था, आज मैंने निगरानी में खाना है, ऐसे ही रखे ना तो ये खाया जाता है, तो फिर कोई मानता है नहीं, तो दम जो है ना आता है ना फिर खोलते हैं, और बाहर देखे वो चूल्हे वाला जो है ना उसकी आवाज़ें आ रही हैं, फोन लगाई नहीं है उसने, मैंने कहा मोबाइल से अटैच किया हुआ है, ठीक है चलो ठीक है। दही खा रही थी मैं आके बैठ के, चलो बैठ के खाती हूँ, तो वो आ गई है, उसको दे रही है, वो खा रही है, मानो चीनी आ रही है ना मम्मी, वो चीनी मोटी सी ना वो खर कर रही है। चम्मच भी थोड़े थोड़े लग रहे हैं, इतने थोड़े चम्मच थे मैं बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, इसमें से निकालने और यहाँ पे हम जो दाम है ना, बिस्मिल्लाह देखो माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना मटर पुलाव हमारा हो गया तैयार, हाँ मैंने ऐसा कर लिया बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल कमी पेशी ना हो, लेकिन माशाल्लाह सही हो गया तैयार, आज मैंने सारे ही स्पाइसी मसाले जो है ना डाल दिए थे, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, निकालती हूँ ट्रे में निकालती हूँ इसको, चम्मच और प्लेटें भी ले लेंगे, ट्रे वाला चम्मच जो है ना वो भी ले लेते हैं, जो है वो हमारा तिरछा सा चावलों वाला वो किधर गया, ये रख लेते हैं, मैंने मसाला तो ये मिल गया ये वाला, इसी से निकालती हूँ चावल, तो बैठ के खाएंगे अंदर ना, बिस्मिल्लाह चावल भी अच्छे वाले हैं, ये आज दुकान चेंज हुई है चावल हमारी भी है ना, मम्मा कह रही थी मैंने नहीं खाने हैं मक्का वाले चावल, इसको पता नहीं कौन से गोश्त वाले पसंद है, सारे मेरे जो है ना बच्चे को गोश्त बहुत पसंद है, रायता लेके आऊं फ्रिज से, हाँ जी चावल और रायता जो है ना तैयार है, ये देखिए खाना अब हम दोपहर का खाने लगे माशाल्लाह बड़ा प्यारा तैयार होगा, और यहाँ पे मैंने अभी प्लेटों को लाया तो ट्रे आ गई, तो उसने सोच ही नीचे गिरा दी मेरी वो फातिमा के निकल वगैरह फिंडर, तो चलें जी यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो चलें जी अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।